वेद के पारंगत विद्वानों के मार्ग पर कैसे चलें, यह उपदेश इस मंत्र में किया है। उषिक्त्वमित्यस्य देवा ऋषयः प्रजापतयो देवताः स्वराडार्षी जगती छन्दः निषादः स्वरः। ओम उषिक्त्वं देवा सोमाग्नेः प्रियं पाथोपीः वशी त्वं देवा सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोपी यस्मत्सखा त्वं देवा सोमा विश्वेशां देवानां प्रियं पाथोपीः। राजा और अन्य विद्वानों को चाहिए कि पुरुषार्थी बने। जो राजा और राजपुरुष राज्य के हित में बनाए गए अच्छे अच्छे नियमों को बनाते हैं और उस पर आचरण करते हैं, वे राज ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। राजा का कर्तव्य है कि मित्र भाव से धार्मिक वेद के पारंगत विद्वानों के मार्ग पर चलें, अर्थात समय समय पर वैदिक विद्वानों के उपदेशों और निर्देशों का अनुसरण करें, क्योंकि उनके तुल्य आचरण किए बिना कोई भी विद्या और धर्म में उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए राजपुरुषों को भी चाहिए सबसे एक प्रीति भाव रखकर राज्य के नियमों का पालन करें। गार्हस्थ्य धर्म में विशेष उपदेश अगले मंत्र में किया है।